तू ध्यान रख, मैं नहीं बुलाऊंगा। खुशबू खा लेगी, खुशबू उठी, खुशबू पकड़ लेगी बैग, तो बंद कर रही सामान कर रही है अपना, पैसा कमाना काफी बैठ गई ले इसको। काजल और पायल का नाम भी व्हाइट वाली शीट थी, एक गिनती के पेपर को भी खराब कर दिया। मैं सोची तो बोली इसको हटा दे, इसको हटा दे, क्योंकि इसको पता नहीं लग जाती इसके ऊपर नालायक लड़की। सो आज का व्लॉग है टीचर्स डे के ऊपर, हमने कॉलेज में फंक्शन सेलिब्रेट किया था एंड ये कुछ तैयारियाँ वगैरह मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमने की थी। फिर हम ऑडिटोरियम चले गए थे क्योंकि टाइम हो चुका था, एक्चुअली हम लेट हो चुके थे, टीचर्स भी बट लेट ही थे। फिर उसके बाद हमने तैयारियाँ ऑलमोस्ट सब कुछ हो रखा था, बस हर चीज़ अपनी जगह पर रखनी बहुत ज़रूरी थी। एंड फिर हम वो डिस्कस कर रहे थे कि किसको पहले बुलाना है, कैसे परफॉर्मेंस करनी है एंड किन किन की परफॉर्मेंस है। फिर हमने यहाँ पे टीचर्स के लिए रोज़ अरेंज करे थे एंड ये मलिका है मेरी क्लासमेट जिसके साथ मैं डिस्कस कर रही थी चीज़ें। फिर मुझे मलिका ने बोला कि तूने डेयर्स की स्लिप नहीं बनवाई है, तो मैं वो स्लिप बनवा रही थी मुस्कान और सुषमा से। फिर उसके बाद इतने टीचर्स आ चुके थे तो हम सब ने टीचर्स के लिए रोज़ वगैरह अरेंज करे थे, उनका वेलकम किया तिलक के साथ। एंड ये विनोद सर हैं और सोन किरण मैम हैं, ये पूनमत्री मैम है। देन उसके बाद फिर सरस्वती वंदना हुई, सरस्वती वंदना मोना मैम करते हैं, उसकी आरती मोना मैम ने की एंड सर मुझे बहुत वियर्ड लुक दे रहे थे तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया। फिर उसके बाद हमने विनोद सर को बुलाया एंड या सर बता रहे थे। देन उसके बाद आकांक्षा ने स्टार्ट किया एक सुंदर सी शायरी के साथ और उसके बाद फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को इनवाइट किया। प्रिंसिपल मैम ने काफ़ी अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किए टीचर्स डे से रिलेटेड। फिर उसके बाद हमने परफॉर्मेंस रखवाई जो एक सिंगिंग परफॉर्मेंस थी जो मैं नहीं यहाँ दिखा सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। देन उसके बाद फिर हमने टाइटल दे के टीचर्स को वन बाय वन बुलाना शुरू करा, मलिका ने ये टाइटल्स बनाए थे, मलिका और कीर्ति ने। देन उसके बाद हमने वन बाय वन टीचर्स को टाइटल्स वगैरह देने शुरू किए एंड उसके बाद हमने चाहा कि बच्चों को भी हम इंक्लूड करें, तो हम टाइटल्स के साथ टीचर्स बाकी बच्चे गेस कर रहे थे कि किसका टाइटल है। उसके बाद मैंने भी सर को दिया था, फिर हमने बच्चों को भी इन्वॉल्व करना शुरू किया एंड यहाँ पे टीचर्स गेस कर रहे हैं। देन सविता मैम का टाइटल था, बहुत अच्छा टाइटल था, फिर वो आकांक्षा ने गिफ्ट किया। फिर हमने और बच्चों को इंक्लूड किया, पीछे से सबको बुलाना शुरू करा। यहाँ पे मैं मुस्कान को बुला रही हूँ, सोन किरण मैम के लिए आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर इट, यस सोन किरण मैम के लिए मुस्कान आती है, ये मेरी क्लासमेट से ज़्यादा अच्छी दोस्त भी है। आई थिंक आपने इसको शॉर्ट वीडियोज़ में तो डेफिनेटली देखा होगा, मैंने व्लॉग में कभी इसको नहीं दिखाया, आई थिंक ये फ्रेशर में नहीं थी इसलिए। फिर हमने विनोद सर को हैंड ओवर कर दिया था, विनोद सर ने कुछ शायरी वगैरह सुनाई थी, अपने कुछ मोटिवेशन दिए थे एंड मलिका यहाँ पे बुला रही है टीचर्स को वन बाय वन। गीता मैम का भी था, गीता मैम की शायरी भी थी वो, गीता मैम लेट आए थे। फिर मैंने गीता मैम लेट आए थे तो मैंने उनका तिलक किया और उनको रोज़ से उनका वेलकम किया। इसके बाद मलिका ने मैम के लिए भी पेन गिफ्ट किया उनको और उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपना प्रोग्राम आगे एंड फिर हमने टीचर्स को बुलाना शुरू किया। बट उससे पहले हमने टास्क वगैरह टीचर्स को बताए कि हम क्या क्या टास्क अरेंज करने वाले हैं एंड यहाँ पे मोना मैम भी आए थे। हमने मोना मैम से स्टार्ट किया, एक्चुअली हम मोना मैम ने एनिमल डांस का जो हेड पे वो ग्लास रखे होता है उसकी जगह हमने बॉटल यूज़ करी बिकॉज हम ग्लास लाना भूल गए थे। फिर इतने हमने बैलून्स वगैरह अरेंज कर लिए, सविता मैम का हमने बैलून डांस का टास्क आया था, सविता मैम ने वो टास्क किया एंड ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी सारे टास्क हमने एक्चुअली अरेंज करे थे, हमने एक चिट्स में लिखे थे और वो चिट जो पर्टिकुलर टीचर उठाएगा और उसके अकॉर्डिंग उनको वो टास्क करना पड़ेगा। सो सविता मैम का बैलून डांस आया था, सविता मैम ने फिर अपनी फ्रेंड को भी बुला लिया था बैलून डांस के लिए और काफ़ी अच्छा था, लाइक डिसेंट टास्क, हमने थोड़े सेंसिटिव रखना सोचा था कि कुछ डिसेंट रखते हैं। यहाँ पे मैम सोनकर मैम एक्टिंग कर रही हैं किसी स्टूडेंट की और ऐसे अलग अलग टास्क हमने रखे थे, मैम एक रखी थी, यहाँ पर हमें सिग्नेचर स्टेप को गेस करना था तो यहाँ पे पूना मत्री मैम और मोना मैम मिल के उस सिग्नेचर स्टेप को वो गेस करते हैं और वो करके दिखाते हैं। फिर मैम ने यहाँ पे गीता मैम को भी बुलाया, गीता मैम ने वो डांस किया, एक्चुअली जो स्टेप था ये आई थिंक
मिस्टर इंडिया का ही सॉन्ग है। आप गेस करके बताओ कि ये कौन सा सॉन्ग है जिसपे टीचर्स डांस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आया। फिर हमने इतने म्यूज़िकल चेयर्स पीछे अरेंज कर ली थी, यहाँ पे हमने म्यूज़िकल चेयर्स का टास्क किया एंड धीरे धीरे टीचर्स लाइक पहले हम रूल्स वगैरह डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बाद डांस स्टार्ट हो गया एंड काफ़ी सारे टीचर्स से धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। सो बहुत मज़ा आया, टीचर्स का भी हाई जोश हो गया था, लाइक इट वॉज रियली फन, इट वॉज अमेजिंग डे एवर। टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे एंड येस ऑफकोर्स आप देख सकते हो इंटरेस्ट टीचर में बढ़ चुका था एंड जीतने की इच्छा भी टीचर्स की बढ़ चुकी थी। लास्ट में आई थिंक यू नो दैट कि विनर तो एक ही होता है, सो काफ़ी सारे टीचर्स बाहर निकल गए थे बिकॉज कई उन्होंने चीटिंग करी। एंड यहाँ पे गीता मैम हमारे टॉप फोर हैं, गीता मैम, सोन किरण मैम और विनोद सर और मोना मैम। मज़ा आता है लास्ट में बट मैंने वो क्लिप कट कर दी है बिकॉज आई डोंट वांट टू बी। देन यहाँ पर टॉप टू में रह जाते हैं मोना मैम और विनोद सर, गीता मैम आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फनी और बहुत ज़्यादा वो था क्योंकि जीता कोई और एक्चुअल रियलिटी कोई और थी, बट इट्स फाइन, दिस इज़ कॉल्ड किस्मत। सो मोना मैम हमारा टास्क जीते हुए, मोना मैम को गिफ्ट दिया मलिका ने। फिर हमने उसके बाद वापस टीचर्स के लिए एक परफॉर्मेंस रखी, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस थी। इतने हम सेकेंड टास्क की तैयारी कर रहे हैं मैं और मलिका। सबको हमने एक ही अटेम्प्ट के लिए कहा था कि आपको एक ही सांस में ही सबसे मैक्सिमम कैंडल्स को ब्लो करना है एंड आई थिंक विनोद सर ही सबसे ज़्यादा कर पाए थे। आई थिंक 9 कैंडल्स सर ने ब्लो करी थी, उसके बाद तो कोई भी नहीं कर पाया था। गीता मैम की भी बहुत कम थी, टीचर्स ने अपना ट्राई किया, अपना बेस्ट दिया। उसके बाद लाइक बहुत सब ने ये ट्राई किया एंड सबको बहुत मज़ा आया। हमने यहाँ पे साइड में चॉकलेट्स वगैरह भी रख दिए थे ताकि टीचर्स को कुछ ना कुछ मिले अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो। चॉकलेट्स थी यहाँ पे, कैंडीज थी, लॉलीपॉप था और सॉफ्ट वगैरह भी थे, बिस्किट्स भी थे, कुकी भी थी। सो सबके लिए अलग अलग था, मैक्सिमम ट्रायल्स तो नहीं थे बट सबका एक एक ट्रायल था। यहाँ पे हम सुन के मैम के साथ मजाक कर रहे थे, मैम जैसे बैठ गए कैंडल के आगे, कोई आत्मा वगैरह को मत बुलाना, डर लगता है हमको भी, तो मैम हंस रहे थे कि नहीं मैं ऐसे काम नहीं करती। सो थोड़ा मजाक करते हुए हमने ये गेम आगे कंटिन्यू करी एंड आज मैंने आपको रिजल्ट्स पहले ही क्लियर कर दिए। सबसे मैक्सिमम जो था यहाँ पे विनोद सर ने ही किया था एंड इसमें सोनकिर मैम ने भी काफ़ी अच्छे लाइक कैंडल्स को बुझाया था। सो हमने इस टास्क में दो विनर्स निकाले थे क्योंकि हमारे पास दो गिफ्ट थे तो हमने दो विनर्स निकाले थे एंड सबसे ज़्यादा सोनकिर मैम के थे और विनोद सर के ही थे, नो डाउट। सब ने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा ट्राई किया था। आप देख सकते हो पूनम अत्री मैम ने आई थिंक 4 या 3 के कैंडल्स और सर ने 2 कैंडल्स किए। हम ये केक लेके आए थे टीचर्स के लिए, 2 केक लेके आए थे क्योंकि स्टाफ बहुत ज़्यादा था, हमारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी अच्छी उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी, तो हम 2 केक वगैरह लेके आए थे एंड बहुत मज़ा आया, टीचर्स का भी बहुत मज़ा आया। उसके बाद मुस्कान ने गीता मैम के साथ डांस किया जो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया एंड मुझे नहीं पता था कि मुस्कान इतना अच्छा डांस भी करती है, लाइक शी हैज़ रियली अमेजिंग टैलेंट। ये अभी वीडियो ब्लॉग बन रहा था तो कशिश ने बोला कि फटाफट खुशबू तू पकड़ ले, तो खुशबू के बेचारे हाथ में दे दी सारे के सारे, ये जितने समोसे कशिश और सुषमा ने खत्म करे। देन उसके बाद मैंने ट्यूशन पे भी बच्चों के साथ बड़े लाइक टीचर्स डे सेलिब्रेट किया था, बहुत सारे केक एक्चुअली बच्चे ले आए थे, ऑलमोस्ट लाइक 15 से 20 केक्स तो कम से कम कलेक्ट हो ही गए थे जो कि आप देख सकते हो आपके सामने ही हैं। काफ़ी अच्छे केक्स थे, बहुत सुंदर भी थे, कई केक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, कई केक का टेस्ट बहुत अच्छा था। सो यहाँ पे सबने केक कट किया, मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी क्योंकि मुझे वीडियो का ये था कि मैं बना लूँ। सो बच्चे बोल रहे थे कि दीदी आप भी जाके केक कट कर लो। फिर उसके बाद लाइक जो ये केक्स हैं, फिर ये 2 केक मैंने कट किए थे बाद में एंड सबको केक वगैरह खिलाया, पहले टीचर्स को केक खिलाया फिर बाकी बच्चों को केक खिलाया। इट वॉज़ रियली अमेजिंग, इट वॉज़ रियली फन,
अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं दीदी हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे मैम, हैप्पी टीचर्स डे दीदी. सो काफ़ी अच्छा फील हुआ, इट वॉज़ रियली ग्रेट. एंड ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपको फोटोज़ दिखा रही हूँ. या दैट वॉज माई ब्लॉग. आई होप ये टीचर्स ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. बाय बाय.